सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून रविंद्र जी, गुड आफ्टरनून हर्षला, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। सुबह हमने एक ट्रेड दिया था ऑन द शॉर्ट साइड फार्मा में डॉक्टर एडीज, एंड वहां पर ऑलमोस्ट उसके टारगेट अचीव हुए, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड यू नो ध्यान में आ रहा है। मुझे लग रहा है सिंजिन में जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से डेटा बना है, मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट मूव के लिए वेल पोजिशनड है। 685 690 का जो क्लस्टर है वो जैसे ही निकल जाता है तो 720 725 तक की एक अच्छी रैली बन सकती है अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर रिवॉर्ड पर इसका अपॉर्चुनिटी भी काफी स्वीट है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑन अ डिक्लाइन अप टू 680 लॉन्ग पोजिशन डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगाना है 674 पे, एंड खरीदारी करनी है सिंजिन के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा 705 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 720 का। ओके, दवा में इस वक्त अगर आप देखें ट्रेड ढूंढते हुए फार्मा में लॉन्ग 684, अभी तक डिफेंसेस में ट्रेड आ रहे हैं। इससे रिलेटेड इंडेक्स का एक हैवी वेट है, रिलायंस को रखिएगा प्लीज 2804 पे। मैं मानता हूँ 22,080 टिक जाएगा, पुलबैक भी आ जाएगा, बशर्ते कि रिलायंस अपनी अहम भूमिका निभाए। 2804 पे ट्रेड कर रहा है रिलायंस, इज नाउ ट्रेडिंग बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, बट एक क्रिटिकल पॉइंट पे है। इस सीरीज का 2800 फुट राइटर्स का एक पॉइंट है, तो ये ना टूटे तो शायद हमें इंडेक्स को थोड़ी राहत मिले और एक पुलबैक निफ्टी में आ जाए। रिलायंस की काफ़ी अहम भूमिका रहेगी। रिलायंस से बात करते करते भी 6-7 रुपये का पुलबैक लोअर लेवल से दिया है और वही निफ्टी पे स्क्रीन पे विजिबल भी है। निफ्टी करीब 22,060 से बढ़कर अब करीब करीब 22,112 पे आ गया है, बट क्या वॉलिटिलिटी है। सचिन, आपका रिलायंस पे टेक, और मैं देख रहा हूँ हर बार निफ्टी के डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट करने में और किसी पिवट लेवल को सिक्योर करने में रिलायंस काफ़ी मदद करता है, और 100 डे मार्क काफ़ी निर्णायक रहा है रिलायंस के लिए बीते एक महीने में। आपका व्यू इस पर था? वीरेंद्र जी, मैं भी सहमत हूँ आपसे। इनफैक्ट ये एक मेरा प्रेफर्ड स्टॉक था, मैंने एक्चुअली इसे रखा था सेकेंड हाफ के लिए, एंड मुझे भी लग रहा है कि जिस तरीके से डेटा यू नो यहाँ पर नजर आ रहा है 2800 के आसपास का सपोर्ट काफी ड्यूरेबल है, एंड अगर हम इसका 15 मिनट्स डेटा देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक जिगजैग करेक्शन इसने कंप्लीट कर दिया। तो मुझे लग रहा है निफ्टी में जो एक यू नो बाउंस बैक की या रिकवरी की यू नो जरूरत है, मुझे लग रहा है वो लेड बाय रिलायंस ही होनी चाहिए। कहीं जाकर हम एक्सपायरी लगभग अराउंड 22,120 से लेके 22,150 के आसपास ही देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस की भूमिका काफी अहम होगी। ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 2805 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी कंसिडर किया जा सकता है, एंड कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 2845-2835 के टारगेट के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए रिलायंस पर ट्रेड स्पीच। अच्छा, सचिन ने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, फटाफट से सचिन बताइए, फिर मैं चार का चौका शुरू करूंगी। अच्छा, आई थिंक चार का चौका में ये कंसिडर किया जा सकता है। स्टॉक का नाम है JSW स्टील, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का डेटा है, डिस्पाइट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने अच्छी तरह डिफेंड किया है, एंड एक अच्छा कंसोलिडेशन 60 मिनट्स चार्ट पे मच्योर हो चुका है। तो एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 910 के आसपास प्लेस्ड है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 876 पे, एंड खरीदारी करनी है JSW स्टील के फ्यूचर में। को मैं चौका वाला ट्रेड मानूं कि कुछ और आप देने को तैयार हैं? फिलहाल ये चौका वाला ट्रेड ही है। ठीक है, चलिए, तो फिर ये FNO का सुपरस्टार आ गया। आपने मजगांव डॉक पे काफ़ी फोकस किया है। अच्छा, आशीष चले गए हैं हमारे, अब अभी जब कोई फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को और शायद किसी और के लिए पैरेलली अलाइन करना अपने आप को बहुत मुश्किल हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग मूव दिया है मेरे ख्याल से मात्र अप्रैल में ये स्टॉक 170 से 230 की ट्रैजेक्टरी में। BL पे आपका टेक? वीरेंद्र जी, यहाँ पर जो लॉन्ग बायस है अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट दो बार स्टॉक 230 के सपोर्ट के नीचे स्लिप हो चुका था, बट कहीं पर भी यू नो मेजर डिस्टॉर्शन यहाँ पर नजर नहीं आया था, एंड जिस तरीके से अभी भी इस पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा है, तो ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर 255-256 तक की ओपन है।
फिलहाल तो मुझे कहीं पर मेजर यू नो डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इसका जो वीकली आरएसआई है वो लगभग मंथली आरएसआई है वो ऑलमोस्ट अराउंड 90 लेवल्स के आसपास ट्रेंड हो रहा है। बट फिर भी जिस तरीके से ये अपने सपोर्ट को यू नो होल्ड कर रहा है, वहां से रिकवरी आ रही है, तो मुझे लग रहा है एक फाइनल मूव बन सकती है 250-255 जोन के लिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी 229 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, बी एल बी अगर आप देखें स्ट्रेंथ आज तो नहीं, बट याद रखिएगा ये अभी भी अपने करियर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। आज दिन भर सचिन ने एक और ट्रेड आइडेंटिफाई किया। सचिन क्या स्पॉट किया? अच्छा, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में एक काफी स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव अनलॉक हुई है। जिस तरीके से इसने पिछले 15 मिनट में डेटा यू नो माउंट किया है, मुझे लग रहा है 9660 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस है ये ब्रेक किया है एंड लगभग पोटेंशियल है कि 9870 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो जाए। तो 100 पॉइंट की यहाँ से तेजी अभी भी नजर आ रही है, तो मोमेंटम चेज करना चाहिए 9640 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड चेस करने की, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर एक मौका बन रहा है। अच्छा, इस बीच एक बार फटाफट से प्रोड्यूसर साहब, जब हम हैल मेंशन कर रहे थे उन्होंने कहा कि बीएल पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर भी कुछ कुछ मोमेंटम आया है, वो भी ट्रेड एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपके लिए। कहते थे कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे के बाद इस बार शनिवार भी बाकी है, तो इस वॉलेटिलिटी को हमें झेलना है। तैयार रहिएगा, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। हर्षदा मेरी, अनुज, आशीष और नीरज जी की, तब तक के लिए नमस्कार।